आज देखो, पहले का प्रोग्राम था कि हम लोग जो विभिन्न बत्तियों के लोग हैं, इसमें वीडियो के परिणाम के लिए भी लोग आए हैं, कंप्यूटर अनुदेशक वाले भी आए हैं, पीके वाले भी आए हैं, मोटर वाहन उपनिरीक्षक भी आए हैं, और जो प्रयोगशाला सहायक और पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटे की डीवी के लिए आए हैं, पटवारी के भी हैं, कुछ लोग के भी हैं, और टीएसपी के भी हैं, वसुंधरा साहिक के भी हैं। और ये चीज़ मुझे याद है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ मुझे कल भी आपको बुरा लगा होगा, कल शाम को देखा कि पेपर लीक एक बार फिर हो गया, यानी कि वन रक्षक का पेपर लीक हो गया। आप उसको गौर से देखना उस पेपर लीक में कि हाथ से लिखे गए वो आंसर की है, यानी कि जो कोई भी पेपर लीक करेगा, यानी कि जो कम समय में पेपर लीक किया जाता है मेरे हिसाब से, तो वो फोटो खींच के व्हाट्सअप कर देगा, लेकिन मुझे लगता है कई घंटों पहले या दिनों पहले वो पेपर आया है जिससे लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है, पूरा हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा। तो ये पूरी भर्ती परीक्षा एक छंदे के गहरे में, ऐसे में हम तो कह रहे हैं कि नए कानून के तहत चेयरमैन साहब से मैं निवेदन करूंगा, जो कानून आया है भाई, संपत्ति जब्त करिए, जेल में डालिए, 10 साल की सजा का प्रावधान करिए, अपराधियों में डर होना चाहिए। हालात क्या हुआ, कानून आने के बाद हाईकोर्ट LTC का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और टेक्निकल हेल्पर भर्ती का पेपर लीक हुआ, लेकिन आज तक किसी की संपत्ति जब्त हुई क्या नहीं कानून के तहत? नहीं हुई। 10 लाख से 10 करोड़ का सजा का प्रावधान था, वो प्रावधान लागू हुआ? नहीं हुआ। तो जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, जब तक ये पेपर लीक की घटना ही नहीं रुकने वाली है। हालांकि सरकार की तरफ से बयान आ गया कि हमने कह दिया कि हमने पेपर रद्द कर दिया है, लेकिन जरा सोचिए, 2020 की भर्ती है, 3 साल से युवा बेरोजगार तैयारी कर रहा है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका अच्छा पेपर है उनकी शादी कर देंगे, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्जा लेकर तैयारी किया, वो दोबारा तैयारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सरकार का कहना आसान है कि हम दोबारा भर्ती परीक्षा करवा देंगे, लेकिन उनके सपनों पर, उनके परिवार पर, उन युवाओं पर क्या बीत रही है बताओ? ये तो शुक्रिया कि आप जो वीडियो PTI वाले, जो आप लोग सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, कंप्यूटर अनुदेशक वाले, ये तमाम लोग हैं, आप बच गए इस लपेटे में। लेकिन मेरा मानना है, मैं पहले दिन से कह रहा था,